हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मॉमीपीडिया। आज हम आपको मॉमीपीडिया पर बताने जा रहे हैं भंडारे में बनने वाली आलू की सूखी सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसका टेस्ट नॉर्मल घर में बनने वाली आलू की सब्जी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसमें सबसे पहले आप आलू उबाल कर अलग रख लीजिए। फिर तेल के अंदर आप खड़ा गर्म मसाला, जीरा, छोटा बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची डाल लीजिए। इसे आप अच्छी तरह से भूनिए। जब ये अच्छी तरह से भुनने लगे तब इसकी स्मेल खड़े गर्म मसाले की आपको आने लग जाएगी। उस तब आपको इसके अंदर मिलाना है मटर। ये मटर को मिलाने के बाद आपको इसे और थोड़ी देर अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा। इससे ये मटर अपने आप इसमें गल जाएगी और इसे हमें अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मटर को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें टमाटर थोड़ा कम रखा है। अब आप इसमें डालिए मसाले। मसाले में है लाल मिर्च, हल्दी, पिसा गरम मसाला, नमक, धनिया पिसा हुआ और थोड़ी सी शक्कर। यह आलू की सब्जी के टेस्ट को और बढ़ा देती है। अब इसे आप अच्छे से भून लीजिए और उबले हुए आलू इसमें डाल दीजिए। उबले हुए आलू डालने के बाद इसे आप 5 मिनट या 7 मिनट चलाइए और आपकी भंडारे वाली आलू की सब्जी जो है वो तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारा पेज बिल्कुल लाइक